दोस्तों गुड एमसी रेनू चौधरी जी कमेंट करते हैं कि न्यूरोपैथी पेन के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों आज न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम भारत के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो इसका एक बहुत सही तरीके से स्टिक तरीके से आप इलाज कर पाओगे और सही तरीके से आप किसी को गाइड कर पाओगे, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेनू चौधरी जी को मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा कमेंट किया। थोड़ा सा माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि हो सकता है आपके वीडियो को बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया हो, लेकिन मैं सबको बोलता हूँ कि वीडियो का नंबर ज़रूर आता है, चाहे आपका 15 दिन में आए यानी कि एक सप्ताह दो सप्ताह लग जाए, लेकिन वीडियो आपका ज़रूर बनता है। तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम भारत के अंदर पाई जाती है। आज हम बात करेंगे कि न्यूरोपैथी जो दर्द होता है, पेन होता है, ये किन कारणों से होता है, किन व्यक्तियों को ज़्यादा होता है, किन बातों को आपने ध्यान रखना है, क्या क्या आपने इसमें ट्रीटमेंट लेना है, आईएमसी के अंदर से आप कौन कौन से ट्रीटमेंट ले सकते हैं और किस तरीके से आप इसको कवर अप कर सकते हैं यानी कि इससे प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। यदि आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी और समय समय पर मिलते रहे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त और आयुर्वेदा कंसल्टेंट तेजपाल। दोस्तों न्यूरोपैथी का जो दर्द होता है ये आपके माइंड से और ये आपके बॉडी के अंदर जो नर्व होती है, नसें होती हैं, उनसे जुड़ा होता है। यदि आपके हाथों में और पैरों में जैसे झंझनाहट हो रही है या हाथ पैरों के अंदर आपको जलन महसूस हो रही है या जैसे कि कंपकपाहट सी झटके से महसूस हो रहे हैं या फिर ज़्यादा हवा आपको चलती है तो वो सहन नहीं हो पाती, ये सारे के सारे सिम्टम्स, ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो है न्यूरोपैथी के अंदर आती है। तो इस प्रकार का यदि कोई भी आपको दर्द है या आपकी जानकारी में किसी व्यक्ति को है तो उसको न्यूरोपैथी का टेस्ट कराना चाहिए। कैसे आप इसको कवरअप कर सकते हैं, आयुर्वेद के अंदर आप क्या दे सकते हैं, आयुर्वेद के प्रोडक्ट कौन कौन से दे सकते हैं, उन चीज़ों को भी ऊपर एक करके बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये सिम्टम्स जैसे मैंने बता दिए, अब मैं बताता हूँ कि ये किन लोगों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। तो जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा अप डाउन होता रहता है उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो अगर ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि बीपी बहुत हाई रहता है या बहुत ज़्यादा लो रहता है या अप डाउन होता रहता है तो आपको बीपी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक टैबलेट्स भी आती हैं जिनके मैं नाम आपको बताऊंगा, साथ में कुछ योगा कुछ एक्सरसाइज भी हैं वो भी आपको करनी होती है, ये बहुत सारी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। दूसरा सबसे ज़्यादा ये किन लोगों को होता है जिनको डायबिटीज़ है, जी हाँ दोस्तों जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उनको ये हाथ पैरों में झंझनाहट जलन या झटके से लगना या कपकपी रहना या समझ लो कि कहीं पे भी थोड़ा सा भी टच हो जाता है, कहीं पे कपड़े पे भी टच हो गया, कहीं पे गद्दे पे पैर टच हो गया, हार्ट टच हो गया, वहीं पे उसमें झंझनाहट होना, खुजली टाइप का कुछ होना, झटके से लगना, करंट सा लगना, करंट सा दौड़ना, ये ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तीसरा ये उन लोगों को भी अक्सर हो जाता है जिनमें B12 विटामिन की कमी है। अब ये B12 विटामिन कहाँ से और कैसे पूरा होगा या फिर शुगर वाले ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं या बीपी वाले कैसे अपना ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर आप बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको अब मेंटेन कैसे किया जाए, इसको कवरअप कैसे किया जाए, इसको धीरे धीरे आप ठीक कैसे कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। फिर मैं बात करूँगा कि आपको आईएमसी के अंदर आयुर्वेद के अंदर कौन से ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेने हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे वो नर्व की प्रॉब्लम है, चाहे कोई और प्रॉब्लम है, उसकी स्पेशल एक्सरसाइज या स्पेशल कोई योगा तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन साथ में जो अनुलोम विलोम होता है और कपालभाति होता है ये तो हर व्यक्ति को सुबह शाम 5-5 मिनट निकाल के कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स ब्लॉक होते हैं उन सबको खोलने का काम करते हैं, तो आपको इन चीज़ों पे तो ध्यान देना ही देना है, ठीक है। अब साथ में आयुर्वेद के अंदर आईएमसी के अंदर आपको क्या लेना है, जैसे किसी व्यक्ति को बीपी लो की प्रॉब्लम है तो वो सुपर नॉरिस मोरिंगा टैबलेट लें, या फिर किसी को बीपी कभी लो हो जाता है कभी हाई हो जाता है या फिर ज़्यादातर हाई ही रहता है तो एलो मुक्ता टैबलेट एक सुबह और एक शाम को खाना खाने के बाद जरूर लेना है। साथ में एलोवेरा का सेवन जरूर करना है, हिमालयन बेरी आप ले सकते हैं तो एलोवेरा को 30-30 ml आप ले सकते हैं सुबह शाम, या फिर आपने दोनों चीज़ ली है जैसे हिमालयन बेरी भी और एलोवेरा भी तो आप एलोवेरा को रात में 30 ml ले लें सोने के टाइम पे और हिमालयन बेरी जूस सुबह में खाली पेट 30 ml ले लें एक गिलास भिगोने पानी में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेते हैं तो आप अपने बीपी को बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाओगे। उसके बाद आती है सेकंड नंबर, जैसे कि ये शुगर वालों को बहुत ज़्यादा होता है, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोगों का क्या करना है, डायबिटीज़ की आईएमसी के अंदर आती है शुगर अवेयर टैबलेट, उसके अंदर एलोवेरा, तुलसी, बहुत सारी
उसके अंदर एक कॉम्बो पैक बना हुआ आता है, तो उसको कंप्लीट आप सेवन करें। उसको कितना और कैसे लेना है उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, या फिर जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो भेजा है उससे आप सब कुछ संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बताने में लंबा हो जाएगा। आपको केवल उसको स्टार्ट करना है। जैसे जैसे आपका शुगर कंट्रोल होता है वैसे वैसे आपकी झंझनाहट, आपकी न्यूरोपैथी की जो पेन है, ये जो प्रॉब्लम है झटके लगना है या असहनीय हाथ पैरों में थोड़ा सा जलन होती है, वो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तीसरा, उनकी बात कर लेते हैं जो B12 की जिनकी कमी होती है। मान लो आपने कोई टेस्ट भी करा लिया और उसके अंदर आपके विटामिन के टेस्ट में B12 की कमी निकल जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों को अक्सर ये कमियां होती हैं। तो वैसे तो जो नॉन वेज खाते हैं तो वो तो मांस मछली खा सकते हैं, उससे B12 की कंप्लीट कमी पूरी हो सकती है। लेकिन जो वेजिटेरियन है वो पीले फल ज़्यादा खा सकते हैं। साथ में वो IMC का एक कैप्सूल आता है जिसके अंदर B12 होता है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर पाए जाते हैं, ओमेगा 369 पाया जाता है, तो वो होता है फिश ऑयल। उस कैप्सूल को वो ले सकते हैं, और इसको ऐसा ना समझे कि भाई मैं तो फिश ऑयल कैप्सूल क्यों लूँ, वो तो मछली के तेल से बना हुआ है। मैं देखिए, आप अगर डायरेक्ट मांस मछली नहीं खा सकते तो वो कैप्सूल के रूप में है, वो तो दवाई है, वो तो आप ले ही सकते हैं। और अपने शरीर के लिए यार एक कैप्सूल लेना या उसको खाना, तो इसमें कोई गलत नहीं है। वो एक ऑयल निकाला जाता है, उससे तैयार किया जाता है, ओके। बाकी आप IMC के डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो भेजा उससे आप संपर्क करके IMC के डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। अगर वो कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा रेकमेंड करे तो वो भी आप ले सकते हैं। प्लस में जिस व्यक्ति को ये वीडियो पसंद आया है, ये जानकारी पसंद आई है, वो अपने लिए भी कोई अलग से वीडियो बनवाना चाहता है, तो अपना नाम जरूर डालें, और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना है, किस बीमारी से रिलेटेड बनवाना है, तो वो भी आप डाल सकते हैं, ताकि आपका भी वीडियो बन जाए। हो सकता है 2 सप्ताह के बाद आपकी वीडियो का नंबर आए, लेकिन आपका वीडियो जरूर बनेगा। तो यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड MC।